के सेवा गांव में कांग्रेस ने की नुक्कड़ सभा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया को ग्रामीणों ने फलों से तोला। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया ने लगभग एक दर्जन गांवों में नुक्कड़ सभा कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। अमरपुर में कांग्रेस पार्टी चूरू जिला सरपंच फोरम के अध्यक्ष व ग्राम पंचायत मुद्दी ताल के सरपंच राम कुमार बैनीवाल व तारानगर पंचायत समिति प्रधान जय सिंह मेघवाल जो अपने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनके शामिल होने से कांग्रेस को और मजबूती मिली है। और छोटों छोटो चुनाव ग्राम पंचायत को है, सरपंच को पीछे जाते हैं, पीछे अंदर ही बंदा अपन दानिया जी लेकिन बीजेपी के राज में किसानों का सिंचित का रकबा काट दिया, पानी काट दिया। आज किसान जो अपने आज के जमाने में आगे बढ़ना चाहता है, अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहता है अच्छे से, उसके बच्चों के पेट पर लात मारी, सबसे पहला मेरा काम होगा कि राजस्थान की विधानसभा में जाने के बाद इस सरकार के सामने ला करके मैं इस कटे हुए रकबे को वापस जुड़ाऊंगा, कटे हुए पानी को वापस लेके आऊंगा। चुनाव का त्यौहार आ गया है, 7 तारीख को चुनाव है। 4.5 साल की ये काली रात अब जाने को है। 5 साल बीजेपी का राज काली रात ही तो थी, कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख, सब कुछ बर्बाद, नोट बैन, महंगाई, अत्याचार, अराजकता, ये सब था। अब पूरे राजस्थान ने मैंने युवाओं के लिए क्या एजेंडे रखेंगे, युवा कांग्रेस पार्टी को समर्थन करे। देखिए, कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ रही है। आज जो है कांग्रेस के जमाने में युवाओं को नौकरी देने की प्राथमिकता रहेगी, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी और जहां उचित जहां पे कैंडिडेट होगा बेरोजगार उसको 3,500 रुपये प्रति काम युवाओं के लिए हम करेंगे। तारनगर विधानसभा सभा के लिए इस बार क्या एजेंडे रहेंगे कि जनता आपको सपोर्ट करे? देखिए, तारानगर तहसील जो हमारे इस जिले की सबसे अग्रणीय तहसील है और ये विधानसभा क्षेत्र 3 तहसीलों से मिलकर बना है और आज यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है वो इंदिरा कुंभा नाम लिफ्ट कैनाल की। इस लिफ्ट कैनाल का कांग्रेस ने अपने शासन के अंदर इसको तैयार किया।